1997 में लॉन्च हुआ कसीनी स्पेसक्राफ्ट एक बहुत ही सक्सेसफुल मिशन था और 10 सालों तक कसीनी स्पेसक्राफ्ट ने सैटर्न के ठंडे मून्स को स्टडी किया और हमें उनकी इंफॉर्मेशन भेजी। उसने हमें ऐसी जगहों के सबूत भी भेजे जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। इस स्पेसक्राफ्ट ने एक बात तो साफ कर दी थी, शायद हमें एलियन लाइफ को तलाश करने के लिए दूर के प्लैनेट्स में जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने ही सोलर सिस्टम में अच्छे से तलाश करें तो हमें लाइफ मिल सकती है। कसीनी अपने आप में पहला मिशन था जिसने सैटर्न को ऑर्बिट भी किया था और ये पहला मिशन था जिस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल समंदर को भी स्टडी किया था। कसीनी ने हमारी जमीन के अलावा दूसरी जगहों पर पानी के होने के सबूत इकट्ठा कर लिए थे और ये पानी उन्हें किसी प्लैनेट पर नहीं मिला था बल्कि उन्हें ये मिला था सैटर्न के ठंडे मून एनसेलाडस पर। इन्हीं की डाटा की मदद से पहली बार हमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सैटर्न के मून एनसेलाडस पर मिले हैं। और तो और पूरा का पूरा वर्ल्ड हैरत में आ चुका था जब कसीनी ने ये डिस्कवर किया कि एनसेलाडस के मून के अंदर से पानी के टुकड़े स्पेस में जा रहे थे और ये पानी ग्लोबल लिक्विड ओशन से निकल रहा था जो कि एनसेलाडस के सरफेस और क्रस्ट के नीचे छुपा हुआ था। सैटर्न की ग्रेविटी एनसेलाडस मून के अंदरूनी हिस्से को खींच रही है जिसकी वजह से फ्रिक्शन पैदा हो रही है। अब साइंटिस्ट का ये कहना है कि एनसेलाडस किसी वजह से इतना गर्म हो चुका है कि वो ठंडे से लिक्विड वाटर को मून के सरफेस के कुछ फीट नीचे जमा होने दे रहा है। ये पानी क्रैक से लीक होकर स्पेस में स्प्रे की तरह हो रहा है। साइंटिस्ट इसको प्लूम्स का नाम देते हैं। जबकि सीनी ऐसे ही एक प्लूम से होकर गुजर रहा था तब उसे ये पता चला कि पानी में अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं, जो कि जिंदा चीजों की बिल्डिंग ब्लॉक जैसे मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन और रॉक जैसी बड़ी बड़ी चीजें कसीनी ने डिटेक्ट भी की हैं, जो शायद इस मून के सरफेस के अंदर छुपे समंदर से निकल रही हैं। कसीनी की ऑब्जर्वेशन ये भी कहती है कि एनसेलाडस के ओशन पर हैबिटेबल हाइमोथर्मल वेंट्स हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही वेंट्स जमीन के अंधेरे ओशंस में भी मौजूद होते हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट्स ओशन के अंदर बहुत ही यूनिक तरीके से इकोसिस्टम बनाते हैं जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पैदा होकर रह सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, साइंटिस्ट का मानना है कि जमीन पर भी जिंदगी ऐसे ही शुरू हुई थी। अब आप सोच ही सकते हैं कि साइंटिस्ट कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे एनसेलाडस पर एक और मिशन भेजकर वहाँ के सिंपल्स को और ज्यादा डिटेल्स में स्टडी करने के लिए। एनसेलाडस सोलर सिस्टम में ठंडे वर्ल्ड की कैटेगरी में आता है जिसके अंदर अंडरग्राउंड ओशन हो सकते हैं, जैसे कि यूरोपा और टाइटन हमें ये कह रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि बिना सूरज की रोशनी के भी जिंदगी होना मुश्किल नहीं है। हमारे अपने ही सोलर सिस्टम के इन्हीं एलियन ओशंस पर लाइफ की तलाश करना बहुत बड़ी डिस्कवरी हो सकती है। इसका रीजन काफी सिंपल है। अगर एक ही सोलर सिस्टम में हमें ऐसे दो वर्ल्ड्स मिल जाएं जहां लाइफ नेचुरली पैदा हो रही है तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारा पूरा यूनिवर्स लाइफ से भरा हुआ है। एनसेलाडस के वाटर प्लूम से जो डाटा हमें मिला है वो हमें ये बता सकता है कि दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ कैसे फॉर्म हो सकती है और उसके बाद हम ह्यूमंस को अगर मजबूरी में एनसेलाडस जैसे दूसरे प्लैनेट्स पर जाना पड़ा तो हम वहाँ भी लाइफ के पैदा होने को रफ्तार को बढ़ा पाएंगे। दूसरी प्लैनेट्स पर लाइफ तलाश करने में सबसे ज्यादा परेशानी ही ये है कि हम सिर्फ अभी तक एक ही प्लैनेट को जानते हैं, जमीन। जमीन पर करोड़ों तरह की मखलूकात पाई जाती है लेकिन ये सभी एक ही प्लैनेट पर पैदा हुए हैं। इस वजह से एक्स्ट्रा बायोलॉजिस्ट को दूसरे प्लैनेट पर लाइफ तलाश करने के वक्त बहुत ही स्मार्ट रहना होगा। जैसे कि एक बहुत ही पुराने आइडिया को ले लेते हैं, हैबिटेबल वर्ल्ड जस्ट स्टार्स के वो वाले एरिया जहाँ पर ना तो ज्यादा गर्मी हो ना ज्यादा सर्दी हो पर बन सकते हैं। स्टार्स से उस प्लैनेट की परफेक्ट डिस्टेंस भी होनी चाहिए ताकि उस प्लैनेट पर पानी लिक्विड की फॉर्म में बना रहे। आज के वक्त में वीनस काफी ज्यादा गर्म है और मार्स काफी ज्यादा ठंडा है, लेकिन रिसर्चर्स ये कहती हैं कि एक टाइम पर इन दोनों प्लैनेट्स के एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छे हुआ करते थे जहाँ पर पानी लिक्विड फॉर्म में बना रह सकता था। हमें नहीं पता कि जिंदगी उस वक्त में वहाँ मौजूद थी कि नहीं। आज हम इतना जानते हैं कि वो परफेक्ट कंडीशन बदल चुकी है। आज हम जानते हैं कि किसी प्लैनेट पर जिंदा पैदा होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि प्लैनेट के हैबिटेबल जोन में ही हो। जैसे कि यूरोपा को देख लीजिए, इसका अंदरूनी हिस्सा बिल्कुल सही टेम्परेचर का है जो इस वर्ल्ड को थर्मली एक्टिव रखता है। इसके सरफेस के नीचे भी लिक्विड वाटर है जिसके अंदर मौजूद ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं है। समंदर में मौजूद थर्मल वेंट्स की मदद से ये सर्वाइव कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे समंदर के दूसरे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। पानी की मिकदार आउटर सोलर सिस्टम में बहुत ज्यादा है, इसलिए वहाँ मौजूद गैस जैसे कई जुपिटर सैटर्न के मून पर लाइफ का होना बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन जिंदा रहने के लिए पानी ही काफी तो नहीं होता,
आपको बहुत सारे कॉमन एलिमेंट जैसे कि कार्बन और नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है जो दूसरे रॉकी प्लैनेट्स पर मिल सकते हैं। इसके साथ ही आपको कुछ कॉमन एलिमेंट्स की भी जरूरत होती है जैसे कि फास्फोरस। फास्फोरस जमीन पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट्स में से एक है। जैसे कि हमने देखा कि जब वाटर प्लूम को ऑब्जर्व किया था तब उसमें से हमें बहुत सारे ऐसे कंपाउंड मिले, लेकिन फिर एक टीम जो इंसेलाडियस को स्टडी कर रही थी उसने कहा कि इस मून पर फास्फोरस हो सकता है। उन्होंने एक जियोलॉजी मॉडल बनाया और उसे कसीनी के डाटा से मैच किया, जिसमें उन्होंने ये देखा कि इंसेलाडियस के रॉकी समंदर अपने अंदरूनी हिस्से से फास्फोरस को निकालते हैं। इसका मतलब है कि इंसेलाडियस के समंदर के पानी में भी फास्फोरस भारी मात्रा में मौजूद है। अब मून पर और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ अगर फास्फोरस को मिला दिया जाए तो लाइफ के वहाँ होने की पॉसिबिलिटीज और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी लाइफ की वजह से हमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स इंसेलाडियस पर आकर गिरे जिसकी वजह से उसके ऊपर मीथेन और दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आ गए। हालांकि बहुत ही कम लोग इस बात को मानते हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर सभी का ये मानना है कि सैटर्न के इस मून के सरफेस के नीचे जो समंदर है वहाँ जिंदा ऑर्गेनिजम्स घूम रहे हैं। माना जाता है कि जमीन पर जो पानी और ऑर्गेनिक मटेरियल भी एस्ट्रॉइड्स की वजह से ही आए हैं। सोलर सिस्टम फॉर्मेशन और एवोल्यूशन के जानने से हमें अपने प्लैनेट के बारे में और ज्यादा जान सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या जमीन पर जो लाइफ है वो नेचुरली फॉर्म हुई है या फिर सिर्फ किस्मत से पैदा हो गई है। नेक्स्ट 10 ईयर्स में कुछ बेहद ही इम्पोर्टेंट मिशन लॉन्च होने वाले हैं जो कि सैटर्न के दूसरे मून्स को भी स्टडी करेंगे, लेकिन अब देखना ये है कि इंसेलाडियस पर मिशन कब भेजा जाता है, क्योंकि इंसेलाडियस पर पहले ही क्रैक्स मौजूद है जिसमें से बहुत सारा पानी निकल कर स्पेस में आ रहा है। इस वजह से खोदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी वहाँ पर इंसेलाडियस पर जल्द से जल्द मिशन भेजने के बारे में अभी फिलहाल सोचा नहीं जा रहा। नासा ने पिछले 10 सालों में लैंडिंग टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की है और इसके साथ ही उन्होंने ऐसे एडवांस इंस्ट्रूमेंट भी डिस्कवर कर लिए हैं जिनसे बर्फ से ढके हुए हैबिटेबल जोन वर्ल्ड को भी देखा जा सकेगा। हम सिर्फ इस उम्मीद पर ही रह सकते हैं कि नासा और इसरो स्पेस एजेंसीज इंसेलाडियस पर जल्द से जल्द मिशन भेजने की कोशिश करें।